उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने कहा कि उत्तराखंड को भयमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और साथ ही माननीय चुनाव आयोग का भी निर्देश है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भयमुक्त मतदान हो, इसके लिए अवैध असलाह और मादक पदार्थ का कारोबार करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। गदरपुर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक युवक को पकड़ा तो उसके पास से अवैध तमंचा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम किसन पाल पुत्र ख्याली राम रुद्रपुर के खेड़ा निवासी बताया और अन्य जगहों पर रखे गए कंपनी मेड पिस्टल, अवैध तमंचे, कारतूस, पुनिया बंदूक इत्यादि बरामद किए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर में पुलिस टीम व एसओजी टीम को 2000 का इनाम घोषित किया। एसओजी की टीम के साथ ही गदरपुर पुलिस टीम भी मौजूद थी। आरोपी का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। चुनाव में अवैध हथियार रखने के शौक कई लोगों ने पाले हुए हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए ये हथियार इकट्ठे कर महंगे दाम पर भेजने का प्रयास में पकड़ा गया। देखिए, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय निर्देश रहता है उनका कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में ये वेपन्स और एनडीपीएस और शराब, इनके विरुद्ध काम करना। आज बड़े बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग काम हुआ है। गदरपुर थाना पुलिस को और एसओजी टीम को संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी सफलता मिली है। थाना गदरपुर पुलिस और एसओजी टीम को वेपन्स के एक बहुत बड़ा खेप वितरण सप्लायर मिला है। तो एक आदमी अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे में कुल मिला के भारी मात्रा में असला है, जिसमें 2 पिस्तल 32 बोर का, 5 कारतूस 32 बोर का, 1 कोनिया और 7 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। तो अभी तक का पूछताछ में ये सामने आया है कि अलग अलग जगह तो मार्केट वैल्यू इलीगल मार्केट में बहुत हाई हो गया है, तो इसीलिए ये काम कर रहा था। परंतु हमारा संयुक्त टीम गदरपुर पुलिस और एसओजी टीम द्वारा बेहतरीन काम करते हुए इसको भारी केप को हमने बरामद किया। 2000 रुपए कैश है ना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।